हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड चैनल ऑफ ऑर्डिनरी ऑफिसर। आप सभी का तहे दिल से ऑर्डिनरी ऑफिसर के व्लॉग और चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू महाराज की, जय हो भोलेनाथ बाबा की, महादेव की जय जयकार। शंकर भगवान के जयकारे के साथ मैं ऑर्डिनरी ऑफिसर आप सभी का मणि महेश यात्रा की श्रृंखला में अपने 7th व्लॉग में स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में मैंने अभी तक 6 व्लॉग्स बनाए हैं और 50 से भी ज़्यादा शॉर्ट्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरे इस सीरीज़ में पिछले व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम अभी मणि महेश झील की परिक्रमा कर रहे हैं। हमने इस झील में होली डिप लगा लिया है। पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, बट मजा तो बहुत ही आया। आई होप कि आपने भी मेरे साथ इस जर्नी को खूब एंजॉय किया होगा। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि जब हम यहाँ पहुँचे थे या गौरीकुंड से हमने जब ये यात्रा स्टार्ट की थी और मणि महेश लेक पे जस्ट पहुँचे थे, तब तक मौसम बिल्कुल साफ था। जब मैं होली डिप लगा रहा था तब भी मौसम साफ था। कड़क धूप हो रही थी, गर्मी तो नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ, सारे पीक साफ साफ दिख रहे थे। और अभी देखिए, बिल्कुल ही कोहरा हो गया है। ऐसा लग रहा है ठंड का मौसम हो। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आज सोमवार का दिन है एंड द डेट इज 26th of August 2024। मणि महेश यात्रा हमने दिल्ली NCR से स्टार्ट किया था, वो भी सोलो ऑन अ होंडा CB 300F बाइक, और अपनी मंजिल पर पहुंच के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। दिल्ली से हमने ये जर्नी सैटरडे यानी कि 24th of August को स्टार्ट किया था और 26th मंडे यानी कि आज, वो भी दोपहर के लगभग 2 बजे मणि महेश लेक की परिक्रमा कर रहे हैं। एक बार फिर से भोले बाबा महादेव के नाम के साथ मैं ऑर्डिनरी ऑफिसर आप सभी का पंच कैलाश में से एक मणि महेश कैलाश, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर तहसील में पड़ता है, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मणि महेश लेक को डल लेक भी कहा जाता है। यह एक हाई एल्टीट्यूड लेक है। ये समुद्री तट से लगभग 4,080 मीटर यानी कि 13,390 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये लेक मणि महेश कैलाश पीक से बहुत ही नज़दीक है और हिमालय के पीक
पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। लेजेंड्स की माने तो भगवान शिव ने मणिमहेश लेक को मां पार्वती से शादी के बाद बनाया था। यहाँ के लोकल ट्राइब्स जिन्हें गद्दीज कहा जाता है, काइंड ऑफ शेफर्ड्स, वो माता पार्वती को मां गुर्जा के रूप में पूजते हैं। गद्दीज यहाँ के लोकल ट्राइब्स है जो कि गद्दी वैली में रहते हैं। रावी रिवर वैली के अपर रीजन को गद्दी वैली कहते हैं। आप घर में बैठकर चाय की चुस्की लें और वीडियो का आनंद उठाएं, नेचर को भी एंजॉय करें। हम फिर मिलेंगे अगले शॉर्ट व्लॉग या एपिसोड के साथ। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भोले बाबा की। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त, फैमिली और कलीग सभी के साथ शेयर भी करें। आप अपने सुझाव मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अडियोस अमिगोस। काम दी किसी नहीं, हमने ना ही तो पैक करके रख दिया।